how to write alphabets P to T, right? How to write P to T alphabets. So P for parrot, Q for queen. Queen आपने देखा है कभी picture में, है ना? Queen मतलब क्या होता है? रानी, right? P for parrot, Q for queen, फिर आएगा R, R for rabbit. Rabbit loves to eat carrot, है ना? फिर क्या आता है? S, S for sun, and sun is very hot. Then T, T for tiger. Tiger is a which kind of animal? It is a wild animal or a domestic animal? Yes, it's a wild animal. क्योंकि वो जंगल में रहता है ना. So today, children, today we are going to learn how to write P, Q, R, S, and T alphabets. So shall we start? Yes. So let's start how to write P. P for parrot. तो उसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन. क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. फिर हम क्या करेंगे? एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाएंगे, या तो फिर उसको कर्व लाइन भी बोलते हैं. सो ये बन गया हमारा P. P for parrot. Let's do it one more time. Standing line. ये बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन. देन ऊपर की लाइन से एक टर्न करके लाइन बनाएंगे सेकेंड लाइन तक. ऊपर से लेके ऐसे टर्न करके सेकेंड लाइन तक. तो ये बन गया हमारा P. P for parrot. Let's do it one more time. Standing line. Then a curve line. तो ये बन गया हमारा P for parrot. अभी हम क्या सीखेंगे? How to write Q. Q लिखने के लिए आप लोगों ने O लर्न किया है, right? तो O सबसे पहले बनाना है हमें. So ये हम ऐसे टर्न करके कर्व करके पूरी लाइन को ज्वाइन करेंगे, right? फिर ये O बन गया. अभी हम क्या करेंगे? एक स्लैंटिंग लाइन करेंगे. ये दिख रही है आपको स्लैंटिंग लाइन? सो यहां से एक जो मिडल लाइन है, ये सेकंड लाइन, वहां से लेके हम ऐसे क्रॉस में लाइन बना देंगे, राइट? सो ये बन गया हमारा Q. Q फॉर क्वीन. लेट्स डू इट वन मोर टाइम. ये हम ऐसे ऊपर से टर्न करके लाइन को टर्न करते करते फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया. तो ये बन गया O. अभी हम लिखेंगे ऐसे क्रॉस लाइन. तो ये बन गया हमारा Q. Q फॉर क्वीन. लेट्स डू इट वन मोर टाइम. ऊपर से ये ऐसे स्टार्ट करेंगे कर्व करते करते, ये कर्व बना, फिर ये कर्व को अपसाइड लेके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ज्वाइन कर देंगे, राइट? और फिर करेंगे ऐसे क्रॉस लाइन. तो ये बन गया हमारा Q. Q फॉर क्वीन. अभी हम सीखेंगे हाउ टू राइट R. R फॉर रैबिट. सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. एक स्टैंडिंग लाइन बन गई, राइट? फिर ऐसे P लिखा था तो उसमें हमने कैसे किया था? एक ऐसा छोटा सा कर्व करके बना दिया था. तो ये बन गया हमारा P, राइट? अभी P एंड Q में क्या डिफरेंस है? तो यहां से R में हमें एक ऐसी क्रॉस लाइन बनानी है. तो ये बन गया हमारा R फॉर रैबिट. क्या बन गया? R फॉर रैबिट. लेट्स प्रैक्टिस इट वन मोर टाइम. स्टैंडिंग लाइन, फिर ये छोटा सा ऐसे टर्न करेंगे, राइट? और यहां से लेके एक और स्लैंटिंग लाइन. तो ये बन गया R. लेट्स डू इट वन मोर टाइम. स्टैंडिंग लाइन, टर्न कर्व लाइन करके यहां से एक स्लैंटिंग लाइन. ये बन गया R. R फॉर रैबिट. अभी R के बाद क्या आता है? S. S फॉर सन, राइट? सो S के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो टॉप लाइन है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से एक ऐसे कर्व बनाएंगे, राइट? ऐसे कर्व बनाएंगे. वो कर्व को हम ये क्रॉस में ऐसे एक्सटेंड करेंगे, क्रॉस में ऐसे खींचेंगे वो कर्व को,
और ये जो थर्ड लाइन आती है तब हम ये कर्व को ऐसे ऊपर करेंगे, राइट। तो ये बनेगा हमारा एस। एस लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये टॉप लाइन पे स्टार्ट करेंगे। टॉप लाइन से स्टार्ट करते करते हम ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे, राइट। ये कर्व लाइन बना हमारा और ये कर्व लाइन को हम ऐसे राइट साइड पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते करते टर्न करेंगे और फिर ये बन गया हमारा एस। क्या बन गया, एस। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। ऐसे टर्न करके कर्व करके इसको ऊपर करेंगे, ये बन गया हमारा एस। लेट्स प्रैक्टिस इट वन मोर टाइम। टर्न फिर टर्न करके लाइक दिस, ये बन गया हमारा S for sun। टर्न टर्न करके ऐसे राइट साइड टर्न करके फिर से थर्ड लाइन से फिर ऐसे ऊपर करेंगे थोड़ा सा। S थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी बन जाएगा, है ना। नाउ S for sun के बाद क्या आता है, T for tiger। कैसे लिखेंगे उसके लिए पहले हम ये फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर ऐसे छोटी स्लिपिंग लाइन करेंगे। स्लीपिंग लाइन करने के बाद उसके मिडल में मतलब उसके बीच में एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, स्लीपिंग लाइन एंड फिर धैन स्टैंडिंग लाइन। तो उसका भी प्रोपोर्शन होता है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन बहुत लंबी होगी और नीचे स्टैंडिंग लाइन छोटी होगी तो टी जैसा नहीं लगेगा, राइट। सो इट शुड बी इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो स्लीपिंग लाइन बनाएंगे then a standing line, दिख रहा है आपको slipping line and then standing line। ये बन गया T, one more time, slipping line, standing line। So children, आज हमने क्या लिखना सीखा, alphabets P, Q, R, S and T। अभी आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है ना। हर वीडियो में रोशनी मैडम बताती है कि जो मैं सिखाती हूँ वो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हम सिखाए वो आप अच्छे से लर्न कर सको। सो वी विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय।